आओ अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और अपने हुब्बुल वतनी होने का सबूत दें, क्योंकि धनानीर जी ने कहा है, इट सैडेस्ट टू सी डॉक्टर स्ट्रेंज टिकट सोल्ड आउट व्हाइल आवर पाकिस्तानी फिल्म सफर, कैन वी प्लीज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग आवर लोकल इंडस्ट्री। तो जी धनानीर जी ने बोला है तो अब अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसी भी पिक्चर्स बनाए, चाहे वो बाजरे की राखी जैसी पिक्चर्स क्यों ना बनाए। अभी कहां डॉक्टर स्ट्रेंज और कहां पाकिस्तानी फिल्म्स। अभी ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फिल्म्स को देखो ही ना, मैंने खुद एक वीडियो पहले बना चुका हूं पाकिस्तानी फिल्म सिर्फ 20 मिनट की, जिसका मैंने बाद में प्राइवेट कर दिया था क्योंकि मुझे व्यूज नहीं थे आए। लेकिन बहुत से ऐसे पॉइंट है ना जो मतलब कि अब हॉट टॉपिक चल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बैन कर दो और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके आओ, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए। जी ईद के दिनों में डॉक्टर स्ट्रेंज को रिलीज नहीं था करना चाहिए, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज रोक के रखनी चाहिए थी, और बहुत सी ऐसी बातें जिनसे मैं टोटली डिसएग्री करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी फिल्म्स को देखो ही ना, जरूर देखो अगर आपको खुद को टॉर्चर करने का वाकई शौक है तो जरूर देखें। लेकिन जैसा कि धनानीर जी ने कहा कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, जिसका अपना पूरा करियर एक छोटी सी मीम वीडियो पे खड़ा हो, उसकी बात को कौन ही मानेगा। तो चलो धनानीर जी की बात को नहीं मानते हम लोग, लेकिन हम लोग रजा समा भाई की बात को तो मानेंगे ना। आज ही घंटा रजा भाई की मैंने वीडियो देखी है, बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं रजा भाई को, कोई हेट नहीं है। लेकिन अभी रजा समा ने भी एक वीडियो अपलोड किया जी, जिनमें उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की जो रिलीज डेट थी उसको रोक लेते, पाकिस्तान में रिलीज ना करते तो कोई फर्क नहीं था पड़ना। कुशन पड़े हैं मेरे घर में मार्वल के, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 4 दिन डिले हो जाती है और पाकिस्तानी फिल्में लग जाती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है यार, अच्छा है, अपना प्रोडक्ट हम पुश कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों फर्क नहीं था पड़ना? फर्क बिल्कुल पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें मूवी रिलीज होती है तो उन वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनमें लोग फिर जाकर देख लेते हैं, सिनेमाज में जाते हैं ना डॉक्टर स्ट्रेंज देखने के लिए। अगर कुछ दिनों के लिए रिलीज डेट रुक जाती और डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज ना होती पाकिस्तान में तो वो लोग तो जाके वेबसाइट्स पे देखते, तो नुकसान तो सीधा सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज को होता ही, जिससे हमें क्या, कौन सा हमें पैसे आ रहे हैं, जो भी हो डॉक्टर स्ट्रेंज को नुकसान हो फायदा हो वो बात नहीं है। हमें तो चाहिए ना एंटरटेनमेंट, वो चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज दें वो चाहे पाकिस्तानी फिल्म्स दें, हमें चाहिए एंटरटेनमेंट। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का एंटरटेनमेंट दे सकती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास कैमराज नहीं है, उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो वैसी फिल्म बना सकते हैं, बिल्कुल हैं। इसी बात पे अपने इरफान जनेजा भाई साहब ने कुछ स्टोरीज लगाई थी जिनमें उन्होंने ये कहा था, आप लोग सुन लें। और ये जो नैरेटिव है कि आप लोकल सिनेमा को सपोर्ट करें, तो इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन वो है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, स्टूडेंट थीसिस फिल्म्स के लिए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बजट नहीं है, क्राउड सोर्स करके वो मूवीज बना रहे हैं। इनके पास पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेटेस्ट कैमरास, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट एवरीथिंग, लेकिन खैर छोड़ें, लंबी हो जाएगी, अल्लाह हाफिज़। तो हाँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बिल्कुल बन सकती है पाकिस्तान में भी ऐसी मूवीज और पॉसिबल है बनाना, लेकिन क्या हम लोग ऐसी मूवीज बनाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लेम करना है, हमें तो खुद अच्छा काम नहीं करना और अगर कर रहा है तो उसे ब्लेम करना है, ये तो हमारी पुरानी आदत है। और अभी एक बात जो चल रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज डेट को कुछ दिन के लिए रोक देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, फर्क बिल्कुल पड़ना है। अभी मैं आपके मिसाल देता हूँ, आप समझ लें आपका एक स्टोर है, उसमें आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है जिसको आप एक दिन में 10 बार सेल करते हो और उससे अच्छा प्रॉफिट भी होता है आपको, और एक प्रोडक्ट है जिसको एक दिन में सिर्फ 2-3 बार सेल कर पाते हो। अभी जो ये वाला प्रोडक्ट है जिसको आप एक दिन में 2-3 बार सेल कर पाते हो, वो प्रोडक्ट का जो ओनर है वो आपके पास आए, आपके स्टोर में आए और आपको बोले कि जो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है उसे कुछ दिनों के लिए ना बेचो, उसे ना बेचो, मेरा प्रोडक्ट बेचो, थोड़ा मेरा प्रोडक्ट अच्छा बिक जाए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं ना करेंगे। ऐसे ही पाकिस्तानी सिनेमाज ओनर नहीं कर रहे, जो ओन करते हैं सिनेमाज को वो क्यों चाहेंगे कि उनके हाल में सिर्फ 2 लोग बैठ कर बाजरे की राखी देख रही हूँ। ये फैक्ट की बात है किसी पाकिस्तान के सिटी के हाल में सिर्फ 2 लोग बैठ कर बाजरे की राखी देख रहे थे, और अगर वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज होती तो कितने लोग देखते। और अभी कुछ एक्टर्स भड़क रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पर कि नहीं थी रिलीज करनी चाहिए, फलाना डिमकाना जो भी, उनके अपने मसाइल हैं। चलो उन्होंने तो मेहनत की है, उन्होंने इतने अरसा मूवीज बनाई हैं, उनकी नई मूवीज चल रही, तो मानना उनकी बात, मैं भी तेरी तरह दिल रखता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, तो ये बात उनकी मानी जाती है कि उनका भी दर्द हुआ होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के चलने पर पाकिस्तान में। लेकिन एक अमर खान जी एक्ट्रेस है, दम मस्तम की हीरोइन थी, उन्होंने एक बात की है, मैं इतना यार कसम से मुझे ना हंसी आ रही थी उनकी ये बात सुनकर, उन्होंने क्या बोला जी आप खुद सुन लें। डिमांड बॉलीवुड की फिल्म्स की भी बहुत ज्यादा, लेकिन बैन हुब्बुल वतनी की वजह से लगा। हाउ स्ट्रेंज कि आज जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई तो वो हुब्बुल वतनी शायद कहीं खोई हुई नजर आई। वो फिल्म मेकर्स जिन्होंने 3 साल लगा के फिल्म बनाई, 2 साल वो कोविड की वजह से हॉल्ट रही, 2 महीने की एग्रेसिव फिल्म प्रमोशन के बाद जब वो कामयाब हुए अपनी आवाम को अपने लोकल सिनेमाज में वापस लाने के लिए, हाउसफुल गए उन फिल्म के, तो एक फॉरन फिल्म की वजह से उनकी 50% से भी ज़्यादा स्क्रीन्स रोक ली गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप
बैन लगाएं फॉरेन फिल्म पे, या जो आवाम डिमांड कर रही है उनको वो देखने से रोक लें। पर इक्वालिटी भी किसी चीज़ का नाम है, और आई थिंक ईद के त्यौहार पे पहला हक शायद एक पाकिस्तान। तो हाँ, इस बात पर भी ना जुनेद जो भाई ने क्या खूबसूरत लाइनें बोली हैं। हेलो जी, आजकल हमारे मुल्क में काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, सारे एक्ट्रेस प्रोड्यूसर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले नाराज़ हैं कि लोकल फिल्म्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, स्क्रीन स्पेस नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन मजाल है, खुदा की कसम, कोई भी इनमें से एक्टर प्रोड्यूसर अपने मूवी के प्रेमियर पे यूनाइटेड ब्रावो में आया हो, गाड़ी है पाकिस्तानी, नहीं आएंगे ना ये पाकिस्तानी किसी बाइक पे आएंगे। प्रेमियर पे आए हाथ में पहनी थी रोलेक्स या ओमेगा, डिजाइनर बैग थे वर्साचे बैलेंसियागा के, हाथ में था आईफोन या सैमसंग, गाड़ी थी जापानी या जर्मन। लेकिन लोकल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है यार, बहुत नुकसान। शायद से जुनेजो भाई को पहले ही आइडिया था कि ऐसी बात कोई ना कोई एक्टर जरूर करेगा, तो बात ठीक है ना। पाकिस्तानी ब्रांड की कार्स क्यों नहीं थे इस्तेमाल कर रहे प्रमोशंस पे? आपने प्रमोशंस की, ठीक है, बहुत अच्छी की, लेकिन आप लोग क्यों नहीं पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ कर रहे थे? फिर आपने भी वर्साचे पहननी है, आपने भी रोलेक्स पहननी है, फ्लैक्स पूरा करना है, लेकिन अगर बाहर की कोई फिल्म चल रही है पाकिस्तान में तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। तो मैं तो एज अ व्यूअर बोल रहा हूँ, मैं भी फिल्म्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ मार्वल की, और पाकिस्तान की भी देखता हूँ। ऐसा नहीं है पाकिस्तान की मूवीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान की मूवीज़ की क्या स्टोरी लाइन क्या होती है? पहली बात तो ये, पाकिस्तान में सिर्फ ड्रामा कॉमेडी मूवीज़ आज तक बनी है। एक मूवी बनी थी जो थोड़ी सी ड्रामा कॉमेडी से अलग थी, मालिक फिल्म का नाम था, और उसे क्या किया पाकिस्तानियों ने, बैन कर दिया। अगर जब तुम लोगों ने खुद ही नहीं एक अच्छी चीज़ बनानी, अगर बना लेनी है तो उसको बैन करना है। अभी मौला जाट मूवी थी, कितनी हाइप थी मौला जाट मूवी की, किधर है? आज तक नहीं रिलीज हुई, पता नहीं बैन लगे हुए हैं या खुद नहीं वो रिलीज कर रहे, क्या बात है। लेकिन वो अलग बात है वो रिलीज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जो आपने मूवीज रिलीज भी की आज तक, कोई एक आध मूवी के अलावा बाकी सारी मूवीज का थीम एक ही होता है, स्टोरी लाइन सेम और ड्रामा कॉमेडी स्टोरी लाइन होती है, और समझ नहीं आती पाकिस्तान की मूवीज और ड्रामाज में फर्क ही नहीं है। आपको पता नहीं लगता कि ड्रामाज में भी वही स्टोरीज, मूवीज में भी वही स्टोरीज। स्टोरी क्या होती है जी? बे औलादगी, शोर का रस्ते पे आ जाना, शोर का किसी और के साथ अफेयर, पसंद की शादी में माँ बाप का राजी ना होना, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। और एक जो बाजरे की राखी मूवी आई है जन्नत मिर्जा थी, जिसमें ऐसी मूवीज पाकिस्तान में 90s के जमाने में बनती थी, ठीक है, समझ लो कि एक 90s की मूवी है, उसको उन्होंने अच्छे कैमराज के साथ शूट कर लिया और वो बन गया बाजरे की राखी। अभी देखो यार, ऐसा तो नहीं ना। और अभी ये सारे एक्टर्स जो है ना, जितने भी जल रहे हैं, इनका जलना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि ये लोग बना सकते हैं अच्छी मूवीज, ये बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये बनाते क्यों नहीं है ये नहीं हमें समझ आ रहा। इन लोगों के पास, पाकिस्तानी लॉलीवुड के पास जीती जागती मसाल है बॉलीवुड की। पाकिस्तानी, चलो लॉलीवुड तो भी खड़ा ही ना हो अपने पैरों पे, बॉलीवुड जो के बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी आजकल गिरने वाली हुई है। जो मूवी वो निकाल रहे हैं वो फ्लॉप हो रही है, जो मूवी निकाल रहे हैं वो फ्लॉप हो रही है, सारी मूवीज उनकी भी जैसी लगने लग गई थी, जैसा कि ये पाकिस्तानी भी कर रही हैं, तो फिर कैसे चलेगा इनका निजाम? तो भी बस यही बात है कि हमें भी चाहिए कि हम अच्छी मूवीज बनाएं, लेकिन हम लोग करते क्यों हैं ये नहीं मुझे पता। तो फिर जब तक पाकिस्तान में अच्छी मूवीज नहीं बनेंगी तो कंप्लेंस वैसी होती रहेंगी कि पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखी जा रही और बाहर की मूवीज देखी जा रही हैं। एक ट्रक के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा था कि मेहनत कर हसद ना कर, तो आप लोग भी मेहनत करें, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वाले हसद ना करें मार्वल वालों से। पहली बात है, अपने आप को उनके साथ कंपेयर ना करो फिलहाल, जब आप लोग उनके मुकाबले की मूवीज बनाने लग गए तो जरूर देखेंगे हम लोग। और पाकिस्तानी थिएटर्स में पता ही क्या चल रहा था, एक मैंने वीडियो देखी नौमी की, अगर तो आप लोग मम्मी को जानते हो, ठीक है, नहीं तो मैं उसके ना वीडियो का एक छोटा सा क्लिप डालता हूँ इधर, आप लोग वो देखो। तो ये आपने क्लिप देखा है, आपको समझ आई है, वो डॉक्टर से मूवी देखने गया है, लेकिन क्या हो गया था, इन्होंने मूवी ब्लॉक करके रखी थी, टिकट के ये पैसे वापस कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हैज बीन कैंसल्ड और पता नहीं क्या क्या है, तो ये सीन है भाई इनका। तो उसकी वजह से ना मुझे लग रहा है कि इनको पता है कि मूवी कैंसिल हो गई, लेकिन इनका बंदों को आ रहे हैं तो इनको हम रिफंड करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे यार जो बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो उनका ये सीन है कि वो कहेंगे यार चलो अब आ ही गए हैं, चलो कोई और मूवी देख लेते हैं, तो ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, अभी देख लो इनसे सारी ऊपर जाके तसल्ली से मैं लड़ लुड़ के आया था, बात करके आया था, तो मैं पैसे देके तो मैं सिर्फ गा रहा हूँ। मैं तो कहूँगा चलो ठीक है यार कोई और मूवी देख लेता हूँ, तो कोई और मूवी देखने के लिए मेरे पास क्या चॉइस है? पाकिस्तानी मूवीज, तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी मूवीज देखनी पड़ेंगी। और एक बात ऐड करना चाहूँगा, इफ्तिखार ठाकुर जी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने बोला था जो एक मूवी थी ना, जो मूवी थी चल मेरा पुत, वो एक पाकिस्तानी मूवी थी, उनका अगर इंटरव्यू किया मुझे क्लिप मिलता है तो मैं इधर चला देता। मुझे मजबूर होकर यहाँ से यूके जाना पड़ा, मैंने वहाँ से लोग इकट्ठे किए, कनाडा से बंदे, इटली से बंदे लिए, इंडिया से बंदे मंगाए, यूके से बंदे इकट्ठे किए, कहानी लिखी, कहानी लिखने के बाद एक फिल्म बनाई चल मेरा पुत। अच्छा, अब वो फिल्म जब मैं पाकिस्तान में लेके आया, 9 लोग पाकिस्तान से थे और 4 लोग जो थे वो, 2 बंदे जो थे वो इटली से थे, 2 कनाडा से थे, 1 इंडिया से था। अच्छा, हरदीप गिल। हमने यहाँ जब फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश की तो पूरी इंडस्ट्री यानी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के 88 लोग हैं,
सबके सब मेरे सामने खड़े हो गए। क्यों? उन्होंने कहा जब हमने ये काम कभी नहीं किया, तुम क्यों करने जा रहे हो? मेरी फिल्म यहाँ नहीं लगने दी। वो ये कर सकते हैं? वो कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर के तमाम सेंसर बोर्ड के लोग, जितने लोग अंदर काम करते हैं अदारों के, ये सब मिले हुए होते हैं। ये बाकायदा पार्टियां बनाते हैं, पार्टियां अटेंड करते हैं, पार्टियों में शामिल होते हैं, बैठते हैं, हर तरह के कानून ये खुद बनाते हैं। ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया, तो वो पाकिस्तानी मूवी थी। तो हमारे ये सो कॉल्ड डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने वो मूवी पाकिस्तान में चलने से रोक दी थी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इन्होंने होने नहीं देना, खुद इन्होंने करना नहीं है। और अगर कोई बाहर से अच्छी चीज आ रही है वो अभी चलने नहीं देनी, ऐसा नहीं चलता ना। हम लोगों को भी अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ठीक है, बस आज मैं कोई ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब वगैरह नहीं मांगने वाला, तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। अभी तो अगर मैं डिटेल से बात करने बैठूँ ना तो पूरा 4 घंटे का पॉडकास्ट बन सकता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।